सुखी जीवन के चार सूत्र, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। जो है उसका हमें स्वीकार करना चाहिए। यदि हम स्वीकार करते हैं, जो है उसका स्वीकार करना, तो 99% चिंताएं हमारी जो है वो निकल जाएंगी। जो चार सूत्र मैं भी बता रहा हूँ उसमें का पहला है, भूतकाल में जीना बंद कर दो। बैठे बैठे हमारे दिमाग में चालू रहता है, विचार चालू रहते हैं, 10 साल पहले मैंने ऐसा करना चाहिए था, मैंने पढ़ाई करता था तो मुझे मेडिकल में एडमिशन मिलती थी, या मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता था, या 8 साल पहले मैं ये प्लॉट खरीदता तो अच्छा होता था, वो मैंने एक अच्छा जो मौका था वो मैंने कमा दिया, मैंने उस समय उनसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मैं उनसे बराबर बर्ताव नहीं किया, उस समय मैंने बहुत कम पगार पे काम चालू किया, मैंने वो नहीं करना चाहिए था, मतलब ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ऐसा अपने दिमाग में काफी चालू रहता है। जो घटनाएं हुई है वो हुई है, उसका हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। तो फिर उसके ऊपर विचार करके सिर्फ हम हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारी ताकत बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा तो यह है कि भूतकाल में जो भी घटना हुई है, अच्छी हुई है, बुरी हुई है, जो भी कुछ हुई है वो हमको भूलना चाहिए और वो बेस्ट है। नंबर 2 सूत्र जो है वो है कि यहाँ ये दुनिया में हर व्यक्ति जो है ना वो अद्वितीय है, एकमेवा अद्वितीय है। हम अपने आप को बहुत कम समझते हैं। हमारा दुख का जो एक कारण ना, या मूल कारण जो है ना, वो है कंपेरिजन करना, तुलना करना। 730 करोड़ लोगों में आप अकेले हैं और आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। गुलाब दिखने में सुंदर है, इसका मतलब मोगरा जो है उसका महत्व कम नहीं होता, उसका सुगंध तो कुछ अलग ही है। तो उसमें दोनों में तुलना हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। मोगरा मोगरा है, गुलाब गुलाब है। हर एक का चेहरा अलग अलग है, हर अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा है, दिखने में अच्छा है, उसकी बॉडी बिल्ड है, जो भी जैसा भी है वैसा, सब अच्छे लोग हैं। और हर व्यक्ति जो है वो एक ही है, आपके जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। तो आप आपकी तुलना कंपैरिजन मत करो, अपने आप को कम मत समझो, आप एकदम बेस्ट में से बेस्ट ये दुनिया में है। तीसरा जो पॉइंट है, आपको सवाल करना चाहिए कि भाई मेरी जिंदगी है काय के लिए? ये जिंदगी मुझे एक प्रेजेंट मिली हुई है, ये जिंदगी में खुश रहना और खुश रहने के लिए जो भी करना चाहिए वो करना, वो मेरा काम है। मेरी जिंदगी जो है वो उत्साह से मैंने जीना चाहिए, और उत्साह से जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए, शांति से जीने के लिए जो भी करना है वो करना है। हमारी जिंदगी जो है वो ऐसे बड़े बड़े सपने देखने के लिए है, और वो बड़े बड़े सपने जो है वो देखकर उनकी पूर्ति कैसे करना और वहां से खुशी कैसे पाना वो हमें देखना चाहिए। मेरी जिंदगी जो है वो लोगों के चेहरे पर जो है वो खुशियां फैलाने के लिए है, और वो यदि मैं करता हूँ, लोग खुश होते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। हर क्षण मेरी जिंदगी का जो है उसमें मैंने कोई अपराध भाव है, या अपराध बोध है, या भूतकाल में कुछ हुआ है, या भविष्यकाल की चिंता है, या कोई कल्पना है कि भाई मेरे ऊपर बहुत बोझ है, तो फिर सब ये मैंने पूरा दिमाग में से निकाल देना चाहिए। और जब मैं पूरा दिमाग में से निकाल दूंगा और मैं निकाल के मैं देखूंगा कि भाई मैं कैसी जिंदगी जी सकता हूँ, खुशी से जी सकता हूँ, पूरा जो है बोझ निकाल के फेंक के, तो फिर मैं हर क्षण में जी सकूंगा, हर क्षण जो है उसका मैं सामना कर सकूंगा, और हर क्षण में मैं आनंद में ला सकूंगा। हर व्यक्ति को है ना 3 बातें बहुत तकलीफ देती है, और हर दुख के जो मूल है ना, जड़ है, उसमें ये 3 बातें आपको मिलेगी। वो है 1, अपेक्षा, बहुत ज्यादा अपेक्षा करना। 2, अपूरे सपने, मुझे इंटेंशन है, मुझे मकसद है, वो मेरे पूरे होते नहीं है। और 3, ध्येय प्राप्ति होने के बाद में जो खालीपन आता है वो, क्योंकि मैं सोचता हूँ मुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और फिर वो मिलता भी है और बाद में एकदम खालीपन आता है क्योंकि सामने कुछ भी नहीं रहता है, तो वो दुख की जड़ है। मेरी सारी उसकी सारी से सफेद क्यों, मेरी कमीज उसके कमीज से सफेद क्यों, ये विचार में हम रहते हैं। और फिर कंपैरिजन करना, वो कैसा सुखी है, वो कितना अच्छा जीवन जी रहा है, उसकी जिंदगी देखो कितनी आरामदेही है, मेरे पास में वो क्यों नहीं है, ये अपेक्षा से मैं दुखी होते रहता हूं, और फिर मेरे पास में जो भी है उसका सुख मैं ले नहीं सकता। देखो कितनी मजा है, कोई एखादा व्यक्ति है, एखादा लड़का है, उसकी शादी नहीं हो रही है, आजकल तो लड़कियां मिलती नहीं है, तो शादी होती नहीं है करके वो बहुत परेशान है, उसके दिमाग में एक ही चलता है, मेरी शादी कैसे होगी, शादी 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 करके वो दिमाग में चालू रहता है।
उसकी वजह से वो दुखी भी बनता है, उसके चेहरे पे हंसी गायब हो जाती है, उसका जो लक्ष्य जो एकाग्र नहीं होता, चिड़चिड़ापन आता है, और मेरा सपना, मेरी फैमिली, ये पूरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा उसको लगता है, और वो जीते रहता है, दुखी है कि भाई मेरा जीवन सुखी होगा नहीं होगा, मेरी शादी होंगी नहीं होंगी। अब देखिए बात कैसी है कि अभी उसकी शादी हो जाती है, अब शादी होने के बाद में वो हर एक की शादी होती रहती है, और फिर जिंदगी के एकदम जो थ्रिल है, जो मजा है शादी के पहले वाली, वो ज्यादा से ज्यादा एक साल टिकती है, और बाद में फिर जो रूटीन है वो चालू हो जाता है। फिर मेरा जॉब में क्या प्रॉब्लम है उसको वो डील करते रहता हूँ, एक आध दो बच्चे हो जाते हैं फिर उसका उसको डील करते रहता हूँ, फिर प्रमोशन मिल नहीं मिलता या प्रमोशन मिल रहा है, या अभी जॉब छोड़ना कि नहीं छोड़ना, मतलब ये पूरा हम करते रहते हैं कि अभी क्या, मतलब शादी नहीं हुई तभी दुखी है और शादी हो गई तभी अभी दुखी है। तो फिर हमको ये देखना है कि भाई मेरी जिंदगी है काय के लिए। तो फिर आपको जब ये सवाल जो है उसका जवाब जब मिल जाएगा कि मेरी जिंदगी है काय के लिए, तो फिर आपके पास में निराशा, उदासीनता कुछ आसपास में भी आएंगे नहीं, जब आप बिल्कुल मतलब बहुत खुश रहेंगे कि जो आप कैसा जीवन जिएंगे, आप जीवन ऐसा जिएंगे कि जो भी है वो कैसा है वो अब भी है इस क्षण में, मैं कोई चौथे और कोई जिंदगी के लिए जीऊंगा नहीं। चौथा पॉइंट जो है वो है कि सेवा करो। जब आप लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के लिए खड़े होते हैं, लोगों के जीवन में घुसते हैं, लोग क्या डील कर रहे हैं उनके लाइफ में, उनकी जिंदगी में चालू क्या है, उनको मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ, तो देखो आपको कितना समाधान मिल जाएगा। देखो अगरबत्ती जो है वो हम जलाते हैं वो धीरे 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 खत्म हो जाती है, मगर वातावरण में बहुत अच्छा सुगंध देती है। दिया सलाई जो है तो दिया जलता है खुद खत्म हो जाता है, मगर खत्म होते होते अपने तेज से, अपने लाइट से यानी पूरा अंधकार दूर कर देता है। तो हम तो कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं, सुबह से शाम तक हम दौड़ते रहते हैं, मगर हमको समाधान है क्या, शांति है क्या, वो देखना जरूरी है। हम दौड़ रहे काय के लिए हमको कभी समझ में आता ही नहीं है, क्यों दौड़ रहे इतना, क्या सिर्फ रोटी के लिए दौड़ रहे, क्या सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए हम दौड़ रहे। हमारे पास में जो भी गुण है, हमारे पास में जो भी शक्ति है, उसका वापर करके मैं आजू बाजू के लोगों को, मेरे रिश्तेदार है, दोस्त है, उनको मैं कुछ ना कुछ उनके लिए खड़ा रह सकता हूँ क्या, उनको मैं सुखी बना सकता हूँ क्या, और मेरा जीवन क्या उनके लिए हो सकता है क्या। क्योंकि यदि मैं लोगों को सुख देता हूँ तो मुझे जो सुख मिलेगा उसकी तुलना कंपेरिजन कहीं होंगी भी नहीं। ये जो चार सूत्र मैंने आपको बताया है उसको सब मिला के हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपने मन के अंदर घुसो और देखो कि भाई वहाँ सुख है क्या, वहाँ तो सुख कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, सुख कहाँ है, सुख बाहर है, अपने दिमाग के बाहर है, लोगों के पास में है। तो लोगों के पास में रहो, लोगों के जिंदगी में जाओ, लोगों को कनेक्ट हो जाओ, और उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।